नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप सब। सुमिता किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मजेला चीज़ की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। आप चलिए इसको कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध चाहिए। आप अपने हिसाब से बनाए दूध को 1 बॉयल आने देंगे। देखिए दूध हमारा बॉयल, 1 बॉयल आ गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आपके पास जो अवेलेबल अगर नींबू है, नींबू से आप दूध को फटा सकते हैं। मेरे पास सफेद विनेगर कप से आधा विनेगर ले लिया। अब इसको धीरे धीरे इस दूध में डालेंगे। देखिए दूध हमारा फट चुका है। अगर आपको दूध फटाना है तो कभी भी गैस चालू मत रखिए, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब कोई एक सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें छान लीजिए। अब हम पनीर को डालेंगे। इसी तरह से निकाल लीजिए। अभी तो बहुत गर्म है। इस पानी को आप फेंकिए मत, आटा गूंद सकते, आटे में लगाइए। अब हम ठंडा पानी मिलाएंगे। दोस्तों हमने ठंडा पानी ले लिया। अब जो विनेगर डाला था उन्हें खट्टा खट्टा हो जाता है, वो हट जाएंगे। अब इनको धो लेंगे। अच्छी तरह से धोइए ताकि खट्टापन निकल जाए। अब हम निकाल लेते हैं, इसका पानी निकाल लेंगे। इसी तरह से अब अपना पानी निकाल लीजिए। देखिए हम पानी को निकाल दिया और अब निकाल लेते हैं। देखिए पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चीज बना लेते हैं। इसके लिए हमें पनीर चाहिए और बटर चाहिए और नमक चाहिए और मैदा चाहिए। इन चारों चीज़ों से हम वनीला चीज़ बनाएंगे। हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं। अब इनमें पनीर डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी में बनाए कितना बनाने चाहते हैं। अब हम 2 चम्मच मैदा मिलाएंगे। ज्यादा नमक मत मिलाए, चुटकी भर नमक मिलाएंगे, इससे स्वाद बढ़िया आता है। अब हम 2 चम्मच करीब बटर है वो डालेंगे। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, तो आपका बिल्कुल कलर बन जाएंगे। अब हम मिक्सर जार में इसको पीस लेते हैं। देखिए हम 2-3 बार चला लिया। अब हम निकाल लेते हैं। हम ऐसे एक कटोरी ले लिया, किसी भी कटोरी में रख सकते हैं प्लास्टिक के। अब हम निकाल लेते हैं। हम निकाल लिया। अब इनको सेट कर देते हैं।
इसी तरह से चम्मच से सेट कर दीजिए। अब हम इसका ढक्कन लगा के 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि हमारा पूरा सेट हो जाए। 3-4 घंटा बाद आपको दिखा देंगे, घंटा बाद आपको दिखा रहे। देखिए कितना टाइट हो गई है हमारी चीज। अब हमको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए जब आप पिज्जा बर्गर बनाएं तब आप उसके ऊपर डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा दिखता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर मेरी ये मजेला चीज़ की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।